छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अपनी चुनाव समिति का ऐलान कर दिया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव समेत तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को समिति में जगह मिली है और इसी के साथ टिकट वितरण को लेकर फॉर्मूले पर भी चर्चा शुरू हो गई है। क्या होगा इस बार कांग्रेस की टिकट का मापदंड, किसे मिलेगा मौका और किसकी कटेगी टिकट, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की चुनाव समिति के ऐलान के साथ ही दावेदारों की भीड़ भी शुरू हो गई है। टिकटों को लेकर मंथन शुरू हो गया है और इसी के साथ ये भी तय हो गया है कि अब सिटिंग विधायकों को दोबारा टिकट हासिल करना आसान नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस कर्नाटक और हिमाचल की तरह रायपुर अधिवेशन के फैसलों को लागू करने जा रही है। इसके तहत 50% टिकट अंडर 50 नेताओं को मिल सकती है। इतना ही नहीं, पार्टी महिलाओं और सामाजिक समीकरणों को साधने ओबीसी वर्ग के नेताओं को भी बड़ी संख्या में टिकट देगी। पिछली बार कांग्रेस ने 50 से अधिक विधानसभाओं में युवा चेहरों को मैदान में उतारा था। इसके बेहतर नतीजे भी देखने को मिले थे। अधिकतर नए चेहरों ने बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की। यही वजह है कि इस बार भी न सिर्फ 45 से 40 सीटों में नए और युवा चेहरों को टिकट देने की तैयारी की जा रही है, बल्कि जिन विधायकों को दोबारा टिकट देना है उनके परफॉर्मेंस पर भी हाईकमान की सख्त निगाहें हैं। मिल रहे हैं, आगे भी मिलते रहेंगे, क्योंकि कार्यकर्ता हैं हमारे लोग जो फील्ड में काम कर रहे हैं, वो अपने अपने अनुभव से अपनी बात बताना चाहते हैं आगे के चुनाव के लिए भी और संगठन के लिए भी, कि कैसे और ज्यादा मजबूत करें हम और चुनाव में और ज्यादा ऊर्जा लेकर जाएं। तो सबकी बात सुनते हैं, जब फैसला होता है तब सर्वे भी होते हैं, अपना फीडबैक लेते हैं हम, और आखिर में तो सब कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं। जिसको एक को टिकट मिलेगी, सब लोग मेहनत करके उनको जिताते हैं। कांग्रेस के पक्ष में लोगों का वातावरण है, इसे स्वाभाविक है, दावेदार लोग अपना एप्लीकेशन ले करके प्रभारी से भी मिल रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष से भी मिल रहे हैं, विभिन्न समितियों के जो मेंबर हैं उनसे लगातार मुलाकातें कर रहे हैं। कांग्रेस अपनी तैयारी में है, दावेदारी और टिकट के मापदंड तय किए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी इस पर तंज कस रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव इसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नाराजगी से जोड़कर देख रहे हैं। जिस प्रकार से तानाशाही कांग्रेस में चल रही है, जिस प्रकार से वन मैन शो चल रहा है, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, नाराजगी है और वो लगातार बार बार प्रदर्शित हुआ है। और आज कांग्रेस के कार्यकर्ता भी जनता का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने 4.5 सालों में कोई काम नहीं किया है सिवा जनता को लूटने के, छत्तीसगढ़ के खजाने को लूटने के। कर्नाटक और हिमाचल में कांग्रेस ने न सिर्फ चेहरे उतारे बल्कि टिकटों की घोषणा भी पहले ही की। दोनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी अंदरूनी कलह को रोकने में कामयाब भी रही। यही वजह है कि रायपुर अधिवेशन के फैसलों से निकली ये रणनीति अब छत्तीसगढ़ में भी अपनाने की तैयारी है। इससे नए चेहरे तो मैदान में नजर आएंगे ही, साथ ही उम्र दराज नेताओं का विकल्प खोजने में भी पार्टी को मदद मिलेगी। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज़, रायपुर।